गुड मॉर्निंग राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फटाफट एक अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है, सब चीज़ें हो गई है, अगरबत्ती वगैरह सब लगा दिया, दिया लगाया इधर, भाई के इधर भी भाई को दिलाया वगैरह, सब चीज़ें हो गई है। अभी फटाफट हम लोगों को है ना एक कथा करनी है, कथा करके फिर आरती करेंगे। तो चलो फटाफट कथा करते, ठीक है, कथा करते, कथा सुनते हैं, कथा सुन के फिर उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते। हेलो गाइस, तो ना आरती विरती हो गई थी, हम लोग ने नाश्ता के कर दिए थे, चीला बनाया था मैंने, सबके लिए ही बनाया मैंने, मेरी सब जन चीला ही खाओ आज, क्योंकि नाश्ता बनाने की भी ताकत नहीं मेरे को ना, कल से ना ऐसा वीकनेस लग रहा है और आके वीक, एक्चुअली क्या है ना मेरे को नींद नहीं आती रात को, और दिन भर ऐसी नींद आती रहती ना, पूछने की बात नहीं, आँखें वीके सब दुख रही है मेरी। और मैं अभी लेट के बात करूँ, मेरे में इतनी भी ताकत नहीं उठ के बैठूँ और व्लॉग बनाऊँ, बट आपको अपडेट देनी थी इसलिए मैं बोली चलो बनाती हूँ यार। चलो संजना कंटला पना कम करो। तो ना हम लोग को है ना अभी ना दशम माँ के टाइम पे दशम माँ की स्पेशल लड्डू रहते, वो लास्ट दिन पे उनको लगते, मतलब लगते हैं 1.25 किलो लड्डू, मतलब 1.25 किलो आटे के लड्डू बनते, वो लड्डू स्पेशल रहते हैं। तो है ना वो उनको भोग में लगाना चाहिए, मतलब चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। तो है ना उसका आटा पिसाने शेफल दी गई थी, उसका आटा बेटा पिसा के लाई है, लाने लाने वाले हैं, हाँ मतलब दे दिया है पिसाने को, मैंने वो लाई क्या आलू बुखार, मतलब तो पसंद ही नहीं तुझे कोई चीज पसंद है, ऐसा हो सकता क्या, मैं भी तू इधर, थैंक यू। हाँ तो है ना शेफल दी गई थी आटा का वो करने के लिए, तो 1.25 किलो आटा पिसाने दिया है। वो आटे का क्या प्रॉब्लम है पता है क्या, ना थोड़ा सा ना दरदरा चाहिए, मतलब अपना आटा नॉर्मल रहता है, एकदम फाइन पेस्ट रहता है ना, किधर गई, गोल गोल घूम रही जा गई, तो अपना नॉर्मल आटा एकदम फाइन पेस्ट एकदम पतला वाला रहता है ना, वो ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा चाहिए, सूजी कैसी रहती है उस टाइप में। तो इधर हमारे आजू बाजू में हम लोग ने सारी चक्की में पूछे कि ऐसा आटा किधर मिलेगा, क्या ऐसा आटा किधर मिलेगा क्या, तो नहीं बोल रहे। पंकज के इधर भी मैंने सब पंकज को कल घूमने लगाया कि भाई तू ढूंढ किधर से भी देख, तो उधर भी नहीं मिला। तो फिर है ना शेफल जी लोग फिर गाड़ी वीड़ी निकाले और उन लोग गए उल्लास नगर, उधर ही उधर से ही कुछ मिलता है ना उधर, हम लोग मतलब पहले मेरी मम्मी बिठाती थी ना, तो मेरी मम्मी उधर से पिसा के लाती थी, उधर एक चक्की है किधर है अभी मुझे पता नहीं इतना, तो शेफल जी को पता है, तो शेफल दी गई थी वहाँ पर उसको देख के आई है, उनको बोला है कि ऐसे ऐसा आटा चाहिए, तो वो बोले हाँ हो जाएगा लेकिन आप अभी नहीं मिलेगा वो, आप शाम को आओ 8-9 बजे, कितने बजे, 9 बजे ना, 9 बजे तक आओ बोला। तो फिर इन लोग वापिस अभी शाम को इनको वापिस जाना है उल्लास नगर, तो ये सारी चीज़ें है। मेरी मम्मी सब पहले करती थी ना, तो हमको इतना पता नहीं है कि कैसा किधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर पहले पता रहता कि इतना मतलब बाजू में नहीं मिलने वाला हमारे इधर चक्कियों में, तो हम लोग है ना पहले ही लेके आते उधर से, लेकिन हमको लगा मिल जाएगा नॉर्मल है ना, तो पर नहीं मिला। अच्छा हुआ आज का दिन याद आया, तो मैंने बोली अब जाके देख लो, तो फिर कोई दे ही नहीं रहा था, मतलब कल का दिन पूरा पूछे तो मिल ही नहीं रहा, तो मैंने बोली आज क्या तू जा, फिर मम्मी लेके आती ना वहीं से लेके आ।
तो बस फिर ये अपडेट देनी थी, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। मेरे को इतना इतना कैसे तो लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने पहाड़ तोड़ के आई हूँ। इतना तो मैं शोभी पे भी जाती थी ना, दो दो दिन तक इधर उधर भटकती थी ना, तभी भी मेरे को इतने थकान नहीं हुई। लेकिन कल दो दिन में मेरी इसी थकान हो गई है ना, पूछने की बात नहीं। आँखें भी के पूरी दुख रही है मेरी। आ रही हूँ थोड़ा देर, एक घंटा सोती हूँ, उसके बाद मैं ना खाना बनाने का है मुझे, शाम को भोग लगेगा तभी के लिए खाना बनाना है। आज का मेन्यू भी मैंने को डिसाइड नहीं किया, उठूँगी उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है। बैंगन का भरता बनाऊँगी, बैंगन पड़े फ्रिज में, बैंगन का भरता बना दूँगी, दाल राइस और रोटी। आज तो आज का मेन्यू फिक्स कर दिया मैंने, अभी बैठे बैठे फिक्स किया। तो चलो आपको मैं मिलती हूँ डायरेक्ट शाम में, अब मैं सोती हूँ उसके बाद मिलती हूँ, उठ के मिलती हूँ, बाय। A few minutes later. Hello guys. तो आज फिर से sorry, मैंने कुछ vlog नहीं बनाया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में ना, मतलब पंखू के भैया और भाभी आए थे, जो कि हमारे साथ माथेरन भी आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा उनको। तो उन्होंने अभी खाना बीना खा के फिर वो भी चले गए अभी। तो मैं आपको बताया ही नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ना बहुत घाय गए हो गए। मुझे पूरन पोली वगैरह बनानी थी, तो पूरन पोली बनाया आज मैंने। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए आज व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया मैंने। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्या पता। ये लोग मेरी हेल्प भी नहीं करते, पता है क्या, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मैं अकेली खुद को शूट करती हूँ। इन लोग सिर्फ मोबाइल में, और खुद लोग ना सिर्फ फुटेज खाने आते हैं पूरे व्लॉग में। मैं अकेली सारा करती हूँ। जैसा जैसा तेल डाल उसमें दिया में। मैं सब अकेली करती हूँ, पता है क्या। इन लोग कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। कोई आया अभी कल, पंखू की मम्मी इन लोग आए थे, तो मैं बिजी थी, तो इनका काम है ना थोड़ी सी फुटेज ले लेना कि बाबा इन लोग आए, तो मैं वॉइस ओवर ही कर देती। बट इन लोग कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, तो मेरे को अकेले ही सब करना पड़ता है। मैं क्या करूँ आप लोग ही बताओ, इसलिए आप लोगों क्या कर रही है। और इन लोग मेरे को नाम रखते, ब्लॉग में ये नहीं बताई तूने, फिर ब्लॉग में ऐसा नहीं किया तूने, ब्लॉग में वैसा नहीं किया तूने। सिर्फ जो करता है ना उसको पता रहता है वो कैसा कैसा कैसे एडिटिंग करती हूँ, पता है। मैं इन लोग से भाषण देने आते हैं मेरे को, ये एडिटिंग में तूने ये नहीं डाला, हम लोग ने ये किए तो ये मस्ती की तो ये क्यों नहीं डाला, सिर्फ बोलते, कोई हेल्प नहीं करता है। मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ मैं मेरा दुख बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ तो फिर अभी है ना, मैंने क्या क्या बनाया आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ, ठीक है। भाई ये बैंगन का भरता बनाया था जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। ये दाल बनाई थी मैंने, और ये ना जो पूरन पोली में ये जो खाती है अमटी, ये वो है थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी रहती है ये अमटी। और ये है राइस, राइस भी खत्म ही हो गया, मतलब पड़े है अंदर अलग से, थोड़ा थोड़ा निकल कर दी। और ये है पूरन पोली, ये पोली है पूरन, और ये पापड़ थे। तो ये सारी चीजों का आज भोग लगा था। और इस लड़की का कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं इस लड़की का, मेरा एक भी शूट नहीं करती है ये लड़की। अभी हम खाएंगे खाना, उसके बाद बनाने वाले हैं लड्डू। दशा ने ढूंढ ढूंढ के पिक्चर है मेरी बच्ची ने, किधर से ये आटा पिसवा के लाई है, क्योंकि ये आटा दड़दड़ा पीसना पड़ता, जो आप हमारे इधर पीसा नहीं जाता। हाँ मेरी दशा ने किधर किधर से ढूंढ के आटा लाई है, तो अभी रात में यही काम करने वाले, खाना पीना खा के ये लड्डू बनाएंगे। और गाइस कल दशा माँ का लास्ट दिन है, कल दशा माँ चली जाएगी यार, बहुत बुरा लग रहा है। पर जाने दो, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से आएंगी दशा माँ, और फिर हम बहुत मजे करेंगे।
और तब शायद से अश्मिता दी भी रहेगी साथ में। हाँ तो गाइज अभी ना थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं, खाना पीना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार मैं, आप लोगों को हर ब्लॉग में बोल रही थक गई हूँ, पर क्या करूँ, किसको बोलूँ, कोई सुनता ही नहीं मेरी, मैं थक गई हूँ। और पता है मेरे को इधर चटका भी लगा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं रुको मैं बताती हूँ आप लोगों को। गाइज देखो तेल उड़ गया मेरे हाथ पे, तो इतनी घाय घाय होती ना तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। अभी मैं ना कुछ तो ना 3 बजे से कुछ तो खाना बनाने लगी थी, तब जाके ना 7 बजे तक, 7:30 बजे तक खाना कंप्लीट हुआ। खाना मतलब ऐसा नहीं क्या, हर एक चीज़ मुझे करनी पड़ती, कोई हेल्प नहीं करने को होता है। और दशा तो क्या, दशा ही है, दशा बेचारी बाहर भाग रही, इधर भाग रही, घर का देख रही, झाड़ू मार रही है, तो वो बेचारी वो तो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। और मेरे को पूरा स्टार्टिंग से आटा भी खुद गुनो, भाजी भी खुद काटो, फिर बर्तन भी खुद घसो, साथ ही साथ बर्तन भी घसी थी, फिर भी इतने बर्तन निकलते पूछने की बात नहीं। तो अशुद्धि रहती तो थोड़ी हेल्प हो जाती, अशुद्धि रहती ना अशुद्धि खुद ही खाना बनाती ना, फिर ना हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अशुद्धि बनाती। बट अभी क्या, अभी खुद के ऊपर जिम्मेदारी आई है तो करनी पड़ती है, तो कर रही हूँ मैं, और आप लोगों को मेरा दुख बता रही हूँ। बट मेरे को सब जन बोलते तेरे को खुश नसीब है, तेरे को भगमाता का भोग बनाने में रहे, पंकू भी बोलता है मेरे को, मुझे वो सब पता है, मैं खुश नसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं माता के भोग बना के खिला रही हूँ उनको बिना कांदा लहसुन का। और गाइस और सब चीज़ें ना अच्छी बन जा रही, पता है क्या, उस दिन भी मैंने पंकू की मम्मी के लिए हम लोग के लिए खाना बनाया था ना, मेरे को लगा इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, ऊपर से मेरे को नमक का अंदाज़ तो मैं बहुत जीरो हूँ नमक में, चटनी बिटनी में परफेक्ट डाल देती हूँ, जिधर नमक की बात आई ना मेरे से नमक कम ही पड़ता है, मैं कितना भी डालूँ तो। फिर ये ना उस दिन सब प्रॉपर था, नमक वमक सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी, तो मतलब मैं सीख रही बिना टेस्ट करे भी नमक डालने का, लेकिन आज थोड़ा सा नमक कम पड़ गया तो ऐसी चीज़ें हो रही है, बट ठीक है हम सीख जाएंगे नमक डालना भी, नमक डालना क्या, मैं इतनी चीज़ें बना देती हूँ नमक डालने में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपको जब हम लड्डू बनाने लेंगे ना तभी। 2 hours later गाइस देखो ये ना ऐसा था, ऐसा फ्राई करके लिया, इसके ना मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए ऐसे, फिर इसको हम लोग ने पीस के ऐसा बना दिया है। अभी इसके बनेंगे लड्डू, इसमें ऐड होएंगी शक्कर और इलायची पाउडर, जायफल, वो सब डाल के इसके लड्डू बनेंगे। तो कुछ ये प्रकार के लड्डू दशा माँ को भोग लगते कल के दिन, और ये उनके बहुत प्रिय लड्डू है, मतलब गणपति पापा के मोदक जैसे, वैसे दशा माँ को ये गेहूं के लड्डू लगते हैं। इधर फ्राई हो रहा है, इतना बाकी है, अभी रात के बज रहे हैं, तो गाइस रात के 1 बज रहा है, और ये सारा बनाते बनाते ना मेरे को लगता है 3:30 बज जाएंगे, और इतने बर्तन भी घसने हैं अभी, तो बहुत काम है किचन में करने का, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। तो ये सब पीस के आप लोगों से मिलती हूँ, एकदम सब पीस लेती हूँ, सब फ्राई करके पीस के फिर इसमें क्या क्या ऐड करूँगी वो आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस मैं किचन में से आई हूँ बाहर, थोड़े से इतने से बाकी है तो दशा को दिया है तोड़ने के लिए, उधर दशा ने थोड़े तोड़ दिए है, और मैं ना, और गाइस मैं इधर थोड़ा सा लेटी हूँ, थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है, दशा जब तक वो मुझे तोड़ के देंगी, हल्के हल्के ठंड होंगे फिर पीसने को लेंगे, नहीं तो क्या होता है पता है क्या है ना, मिक्सर वो गर्म रहे तो कड़क कड़क भी है ना वो, तो मिक्सर टूट जाता है, इसलिए ना मैं हल्के हल्के से मतलब ठंडा होने दे रही उसको प्रॉपर, छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने ताकि वो टूटे ना मिक्सर, क्योंकि मिक्सर और हमारा पुराना रिश्ता है टूट ही जाता है, और जब भी
ये हमारे घर की प्रथा ही है, जब भी ये लड्डू बनाने लेते हैं ना तो मिक्सर टूटता है, मतलब टूटता ही है, तो मैं चाहती हूँ इस बार ना टूटे। और गाइज मैं बोल रही थी आप लोगों को, क्या है ना हम लोग ने ना और एक एक मिक्सर का डब्बा ला के रखा है ताकि ये खराब हो तो दूसरा काम में आए, तो वो नया डब्बा लाए ना अपन ने, तो नए डब्बे से कर रही है, पुराने डब्बे से कर रही हूँ, फिर देखते हैं ना अगर टूट गया तो, क्योंकि ये प्रथा मैंने बोला है ना हमारे घर के, टूट जाता है ना और हर बार हम लोग रात को ही बनाने लेते हैं ना, तो फिर टूट जाता है ना तो फिर क्या कैसा बनाने का क्या करने का टेंशन रहता है, इसलिए शेफाली बोले एक्स्ट्रा डब्बा लेके आ, टूटा ना तो दूसरे डब्बे में फटक से बनाएंगे। और गाइज मैंने आपको बताना भूल गई, मैंने ना ये पीस के रखा है शक्कर पीस के रख दिया है, फिर अभी ये भी पीस लेंगे, फिर लड्डू बनाने लेंगे, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। A few minutes later. तो गाइस 3:30 बज गए हैं और ना फाइनली सारे लड्डू हो गए, किचन पूरा चकाचक करके साफ करके आई, जो बर्तन बाकी थे वो बर्तन वर्तन घस लिया, और इधर याशुदी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, नहीं उधर मॉर्निंग के कुछ तो ना 6:30 हो रहे, तो याशुदी वहाँ पर उठ गई थी तो उससे वो बात कर रही है और आपको लड्डू बताती हूँ। तो गाइस ये लड्डू भी हो गए रेडी, वो ही पेडिग्री का चिकन खाते पर अभी बना नहीं सकते ना, और गाइस भाई को भी सुला दिया है, इधर भी सब है, तेल बिल डाल दिया अच्छे से फुल कर दिया है तेल डाल के, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, आपको मिलती हूँ डायरेक्ट मॉर्निंग में। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि कल सुबह मुझे 8:30 उठना है, कथा वगैरह करनी है, तो आपको मॉर्निंग में मिलती हूँ, जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बाय। राधे राधे दसा, इधर बकबक चालू है वीडियो कॉल पे, तो आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।